गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। बहुत दिन हो गया है मदर्स डे के बाद मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। बीच में मेरी थोड़ी कुछ तबीयत खराब थी तो मैं सोची थोड़ा रेस्ट ले लूँ, तो अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ तो मैं सोची कि आज व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी बज चुके शाम के 6 o'clock और थोड़ी देर पहले मैंने मेरी चाय एंजॉय की है, तो बस अभी दूध बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो मैं सोची कि आज चलो कॉस्को चलते हैं और कॉस्को का टूर भी करवाते हैं। बहुत जन पूछ रही थी कि कॉस्को का टूर करवा दे श्रेया, कॉस्को का टूर करवा दे। स्पेशली जो मेरी इंडिया के फ्रेंड्स है, कॉस्को तो सबको पता है इंडिया में भी आजकल लोगों को, तो मैं सोची कि चलो आज इसी बहाने टाइम है और चीज़ें ख़त्म हो गई है घर की, वो जा रही हूँ कैसे, तो सोची कॉस्को का टूर करवा देती हूँ। तो बस चलिए मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ और अभी आ चुका है निकलने का टाइम, तो बस चलते हैं कॉस्को में, मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए गाइस ये मेरे घर के सामने का पेड़ है, देखिए और उसको लिटिल बिट पिंकिश रहता है ना उस टाइप के फ्लावर्स है, वो कितना सुंदर लग रहा है। देखिए गाइस कि हल्की हल्की धूप है और देखिए ये फ्लावर्स ग्रीन और पिंक कॉम्बिनेशन, देखिए इतना सुंदर लग रहा है ये ट्री, माय गॉड। चलिए चलती है गाइस, लेट हो जाएगा नहीं तो। ये मेरा नहीं है, ये मेरे साइड में मेरी जो नेबर है इंडियन उन्होंने लगाया है और कितना फ्रेश पुदीना आया है देखिए। पे पेट्रोल पंप है कॉस्को के पास ही, यहाँ पे हम लोग यूजुअली पेट्रोल भरते हैं कार के लिए। और यहाँ से ऐसे सीधे आते ही ये रहा कॉस्को, देखिए आ जाएगा अभी 2 मिनट में। ये कॉस्को होलसेल मार्केट है, पंच में सामान बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, अच्छा और रीजनेबल प्राइस में मिलता है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन शॉपिंग के लिए कॉस्को बेस्ट है एकदम। ये देखिए आप देख सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू, कॉस्को होलसेल। थैंक यू। हेलो गाइस, जैसे ही एंटर किया है आप देख सकते हो ये सब इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है और कॉस्को में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि टीवी हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, ये सब चीज़ें काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलती है। स्पेशली थैंक्सगिविंग में तो काफ़ी सारे डील्स रहते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो ये सब ईयरफोन, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ दिख रहे हैं काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। और आगे चलते ही ये देख रहे हो आप पैटियो का फर्नीचर, ये देखिए सोफ़ा पैटियो में जो रखते हैं बैकयार्ड में, ये जो सोफ़ा वो सोफ़ा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है सब स्टफ। ये बारबेक्यू का है दिख रहा है। और ये सब ज्वेलरी सेक्शन में आपको दिखा रही हूँ, ये सब डायमंड्स है, ये डायमंड्स भी बहुत अच्छे सर्टिफाइड डायमंड्स रहते हैं कॉस्को के, पर्ल्स और डायमंड्स ज्वेलरी है ये सब, बहुत सुंदर
मिलती है ज्वेलरी वहाँ पे, वॉचेस भी है, आगे दिखाती हूँ, वॉचेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है कॉस्को में, ये फोन्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक, ये प्लांट्स है, सॉइल दिख रहा है ये बंच में, ये सब किचन के आइटम्स है, ये बंच में कुकवेयर सेट है, सिरेमिक कुकवेयर सेट, स्टेनलेस कुकवेयर सेट और नॉनस्टिक कुकवेयर सेट, ये पूरा 12 पीस का सेट है, ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है, मुझे तो स्पेशली स्टेनलेस स्टील का ही अच्छा लगता है। और ये कुछ बोल्स है, माइक्रोसेफ बोल्स, और ये विथ लीड्स, ये भी बोल्स है, प्लेट्स है। कॉस्को की क्रॉकरी भी काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी अच्छा सामान रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। ये पैरिस का ग्लास स्टोरेज दिख रहा है, ये डाइनिंग टेबल, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डाइनिंग टेबल है, वुड मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, ये काफ़ी ह्यूज साइज का दिख रहा है मुझे। और ये रहा क्लॉथ, ये सब क्लॉथ सेक्शन है, कॉस्को की क्लॉथ्स भी का फैब्रिक भी बहुत अच्छा रहता है। ये सब ड्रिंक्स है, स्पेशली जिन लोगों को ड्रिंक्स के शौकीन है उन लोगों के लिए काफ़ी ड्रिंक्स की वैरायटी भी कॉस्को में अवेलेबल है। और मुझे पता नहीं कि क्या डिफरेंस रहता है मीन्स कॉस्को के इसमें और रेगुलर इसमें, लेकिन काफ़ी वैरायटी मुझे दिखी। स्पेशली जो लोग शौकीन हैं उन लोगों के लिए कॉस्को बेस्ट ऑप्शन है। और ये बेकिंग सेक्शन है, ये फ्रूट्स काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में दिख रहा है, यहाँ पे सब टाइप के फ्रूट्स मिल जाते हैं, फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स और रिजनेबल प्राइस में। और अंदर ये सब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये काफ़ी चिल्ड है यहाँ पे, इसलिए मैं अंदर नहीं गई। ये स्ट्रॉबेरी वो सब रखे थे वहाँ पे, ये सब लार्ज क्वांटिटी में पोटैटोज वो सब रखे हैं। एक बेकरी सेक्शन है जहाँ पे कि बहुत सारे वैरायटी के केक्स रखे हुए थे। ये नॉनवेज सेक्शन है यहाँ पे, ये चिकन और फिश, क्रैब, क्या क्या पता नहीं, बहुत सारा नॉनवेज के बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये सब मेरा फेवरेट ऑल टाइम सैलड, ग्रीन लीव्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये सब देख सकते हो आप, ये मिल्क का है, ये हम लोग लेते हैं मिल्क, जो कि संतोष अभी उठा के रखा है ये हम। और यहाँ पे भी मिल्क की बहुत सारी वैरायटी है, कुछ स्लिम मिल्क, कुछ लो फैट मिल्क, कुछ ऑर्गेनिक मिल्क, ये बहुत मिल्क की वैरायटी है। और यहाँ पे एग्स भी दिख रहे हैं। और ये रहा टाइड सेक्शन, जो कि हम लोग लॉन्ड्री के लिए यूज़ करते हैं, तो टाइड भी ख़त्म हो गया, तो दो सेट मैंने टाइड के लिए लिए। आ गए पाव भाजी के लिए, और ये मैंने बंस ले लिए, जो कि मेरा प्लान है वीकेंड में पाव भाजी बनाने का, इसीलिए मैंने ये बंस ले लिया। और यहाँ पे ब्रेड की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, होल व्हीट, मल्टीग्रेन व्हीट, ऑल पर्पज़ फ्लोर व्हीट ब्रेड, तो ब्रेड की काफ़ी सारी वैरायटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और ये सेसमी सीड्स ऊपर जो लगाए हैं वो वाला ब्रेड है। और ये है आइसक्रीम की वैरायटीज़, बहुत वैरायटी है आइसक्रीम की।
ये चिप्स की वैरायटी, ये जूसेस है, ये काफ़ी मैंगोस का, ये मैंगो नेक्टर ये काफ़ी अच्छा है, ये और ऑरेंज का है, ये वो जूस का भी काफ़ी वैरायटी यहाँ पे मिलेगी आपको। लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ कि होममेड जूस करना, क्योंकि वो बाहर के जूसेस में प्रिजर्वेटिव रहता है तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं घर में ही मोस्टली बनाती हूँ। बाहर का मैं बहुत ना के बराबर लेके आती हूँ जूसेस, स्पेशली ये चिप्स की वैरायटी है, बहुत वैरायटी की चिप्स है। जो लोग चिप्स के शौकीन हैं उन लोगों के लिए काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में चिप्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये ओट्स जो कि हम सबका फेवरेट है, और एक बॉक्स मैंने ले लिया, और ये है बेकिंग सोडा। शुगर की वैरायटी है, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, काफ़ी वैरायटी में शुगर मिलता है तो हम लोग ब्राउन शुगर यूज करते हैं। तो एक पैकेट मैंने यहाँ से ब्राउन शुगर का उठाया, ये रहा ब्राउन शुगर, ऑर्गेनिक है ये और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। ये रहा है ऑयल की वैरायटी, ऑयल में भी बहुत सारे ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, सेसमी ऑयल, पीनट ऑयल्स, बहुत बहुत वैरायटी है गाइस ऑयल में भी। आपको जो फ्लेवर पसंद है, जो ऑयल पसंद है, जो बेसिकली आपके शरीर को सूट होता है, हेल्थ को सूट होता है, वो ऑयल आप परचेस कर सकते हो यहाँ से। ये नट्स की, ये आलमंड्स है, ड्राई फ्रूट्स की भी बहुत वैरायटी है यहाँ पे। सब टाइप के ड्राई फ्रूट्स कॉस्को में होलसेल में अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। मैं मोस्टली सब ड्राई फ्रूट्स कॉस्को से ही परचेस करती हूँ, तो मैंने आलमंड का एक पैकेट उठा लिया यहाँ से जो कि मेरा ख़त्म हो चुका था। और ये है सॉक्स, सॉक्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, काफ़ी सॉफ्ट सॉक्स रहते हैं और रीजनेबल प्राइस में रहते हैं। ये सब इनर्स है, कुशंस है, कुशंस भी बहुत सॉफ्ट और बहुत वैरायटी के कुशंस यहाँ पे दिखे मुझे। बेसिकली कॉस्को सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा है गाइस। और आगे चलते ही ये रहा टॉवल, ये सोफा थ्रो था शायद, ये ब्लैंकेट्स है, ब्लैंकेट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने मेरे घर के जितने भी ब्लैंकेट्स हैं मैंने कॉस्को से ही परचेस किए हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं और कलर भी फेंट नहीं होता है इसका। और यहाँ पे तो सब मशीन वॉश ही रहते हैं, मशीन वॉश होने के बाद भी बिल्कुल श्रिंक नहीं, फेंट नहीं होते हैं, कलर में भी फेड नहीं होता है। और यहाँ पे है सब डोर मैट्स, तो डोर मैट्स और रग्स है यहाँ पे, इंडोर रग्स हाउस के, वो भी रिजनेबल प्राइस में, काफ़ी बड़े और अच्छे सुंदर वैरायटी के थे। जिन लोगों के स्पेशली बड़े बड़े इंडिविजुअल हाउस हैं उन लोगों के लिए ये हॉल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस है कॉस्को में, तो बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी आती रहती है, नया नया कलेक्शन आता रहता है। मैं जब भी कॉस्को जाती हूँ ना, मुझे नया कुछ दिखने को मिलता है, हमेशा कुछ कुछ वैरायटी, नया नया चीज़ें हमेशा मिलती रहती है कॉस्को में। ये सब क्रीम्स है, फेस क्रीम्स, सब रेजर्स, वोले के प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स, बॉडी वॉश,
बॉडी सोप या डव के दिख रहे था, मेरी बॉडी वॉश शैम्पू ये सब मैं कॉस्को से ही परचेस करती हूँ, मैं दूसरे शॉप में नहीं जाती हूँ। गाइस मैं चल चल के थक चुकी हूँ, कॉस्को इतना बड़ा है तो एक सोफे पे मैं रेस्ट कर रही हूँ। संतोष बाकी का जो सामान लेना है ले रहा है, इतना बड़ा है गाइस। चलो चलते हैं आगे। बाय बाय। गाड़ी में तो पूरा सामान पहले से भरा पड़ा है। हेलो गाइस, तो मैं अभी घर आ चुकी हूँ। आप लोग बताना मुझे आपको ये कॉस्को का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे अच्छे अच्छे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं और एक अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंस्टा का आईडी मेंशन कर दूँगी। मैं वहाँ पे अच्छे अच्छे फनी फनी रील्स और मेरे वीडियो रिलेटेड पिक्स शेयर करती रहती हूँ। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू सून।